तो यहाँ अगर बढ़िया से मार दिए तो सीधा चोट किस पे लगेगा? डायफ्राम पे। और डायफ्राम 2 मिनट के लिए छोड़ देगा आपको, कुछ देर के लिए डायफ्राम कामे करना छोड़ देगा, सांसें अटक जाएगा, एकदम ऐठा आ जाएगा आदमी यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे अगर किसी को मार दिए तो यहाँ पे तो पेट है जो खाना पचाने का काम करता है, लीवर, उसको क्या दिक्कत है, पचाओ ना। लेकिन मेन चोट किस पे लग जाता है? डायफ्राम। और लग गया डायफ्राम पे तो सांसें नहीं ले पाएंगे आप, एकदम सांस अटक जाएगा। कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है ना, चोट लगता है और डायफ्राम परमानेंटली डैमेज कर जाता है, और डायफ्राम डैमेज कर गया तो छटपटाएगा आधा घंटा 10 मिनट, मर जाएगा। तो लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, ना कटा ना फूटा, शरीर एकदम ठीक ठाक था, मर गया, होनी को यही मंजूर था, डायफ्राम टूट गया उसका। इसीलिए गाड़ी जब चलाइएगा तो सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है, गाड़ी में सीट बेल्ट के लिए। इंडिया में क्या है कि कोई भी जो गाड़ियां होती हैं उसमें अगला सीट बेल्ट मैंडेटरी कर दिया गया है, कि गाड़ी दहीने जा रही है कि बाएं पते नहीं चल रहा है, अरे इधर हम ड्राइवर को बैठाते हैं, हाँ इधर ही लगा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं, इधर जा रही है ऐसे निशान मार देते हैं। तो यहाँ पे ना सीट बेल्ट लगा लिया जाता है। तो अगर आप ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे ना तो टिक 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 गाड़ियां बोलेगा, और ड्राइवर के बगल वाला नहीं लगाएगा तो वो भी बोलेगा, तो मजबूरी बन जाती है, अगला दोनों को लगाना पड़ जाता है, तो वो दोनों सेफ हो जाते हैं। सीट बेल्ट की खासियत क्या होती है, आराम से, जो लोग नहीं लगाए हैं उन लोग के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, यहाँ पे एक तो हुक होता है सीट बेल्ट, उसको चुपचाप यहाँ ले आके अपने सामने से यहाँ एक हुक होता है उसमें खोस लिया जाता है, सीट बेल्ट लग गया। सीट बेल्ट की खासियत है कि उसको आराम से खींचिएगा, खिंचाएगा, और जहाँ झटका दीजिएगा लॉक हो जाएगा। तो एक्सीडेंट के समय आदमी गाड़ी चला रहा होता है 100 की स्पीड में, अचानक स्पीड हो, झटका पड़ता है तो आदमी आगे ना फेंका तो सीट बेल्ट क्या करता है, रोक लेता है, आप आगे जेबे नहीं कीजिएगा, रोक लेगा, वरना गाड़ी ड्राइवर चला रहा है इसे और सीट बेल्ट नहीं पड़ेगा, धड़ाक से इसका स्टेयरिंग जो होता है ना स्टेयरिंग, ये चेस्ट जाके सीधे स्टेयरिंग पर लगा, धड़ाक से उसका डायफ्राम टूट जाएगा, चुपचाप स्टेयरिंग पर मर जाएगा, वहाँ बहुत बुरा होता है। तो ये उसके लिए, अब बगल वाले के लिए भी जरूरी है, वरना बगल वाले के आगे डैशबोर्ड होता है जिसमें कुछ कुछ सामान रखता है आदमी, और जहाँ एक्सीडेंट होगा तो नीचे बैठा रहा धाम से जाके वो भी लड़ जाएगा। पीछे वाले सीट वाले पे भी सीट बेल्ट जरूरी है, लेकिन अगर उसको नहीं लगाइएगा तो टिक 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 नहीं बोलता है, तो अक्सर आदमी छोड़ देता है। टाटा कंपनी के पूर्व सीईओ और सावजी पालोजी के कंपनी के साइरस मिस्त्री, उनकी गाड़ी BMW, इतनी सेफ गाड़ी, लेकिन वो पीछे बैठे थे, उनकी कोई मतलब चला रहे थे, फैमिली वाले ही थे लोग, उनकी शायद वाइफ ही चला रही थी, कौन चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो जो दो आगे लोग बैठे थे बच गए, ये जो थे साइरस मिस्त्री पीछे बैठे, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, अचानक गाड़ी डिवाइडर से लड़ी, लगभग 100-120 की स्पीड में ना धाम से गाड़ी लगी, ड्राइवर तो बच गया, सीट बेल्ट रोक दिया, बगल वाला बच गया सीट बेल्ट, पिछुआ बैठे थे, पीछे से निकल के शीशा के आगे जाके लड़े थे, यहाँ पे धड़ाम से डेथ हो गई। 70,000 करोड़ कंपनी की वो उनकी संपत्ति थी, 70,000 करोड़, तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से डायफ्राम ही टूट गया। अब वहां पे डॉक्टर बताए होंगे कि मेन डायफ्राम टूटा था या क्या, तो बट सीट बेल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, पीछे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? सोखा बोलता है कि अरे वो जा सोखा लोग ही तो नॉर्मल चीज झाड़ सकते हैं, डायफ्राम टूट गया तो ये लोग झाड़ पाएंगे। बताओ, करा डायफ्राम टूटने पे सोखा झाड़ देते हैं, करा मोटरसाइकिल पे कौन सा सीट बेल्ट होता है, मोटरसाइकिल तमीज से चलाइएगा आपको सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटरसाइकिल टू व्हीलर हो वो 60-70 की स्पीड के लिए बना है आपको, अब उसका इंजन पावरफुल दिया है आपको, मिसयूज मत किया कीजिए, वहां पे आराम से 60-70 चलिए, बाइक 60-70 की स्पीड में आपके कंट्रोल में रहती है। समझ में आ गया कि नहीं? आप कंट्रोल कर सकते हैं एक टाइम के अंदर में आप, लेकिन नहीं उड़ेंगे हम। अरे भैया आपको और शौक है तो 100 चलाना है तो 4 व्हीलर ले लीजिए, नहीं ले लेना है, एक गटे टूट गया क्या करो, क्या हुआ है तुम्हारे गर्दन पे, बाइक चला रहे थे तो ले बकुलवा गया। मुंह से ब्लड निकल गया, चोट लग गया होगा, कहाँ चोट लगा था मैं, दरभंगा NH पे, तो तू मोटरसाइकिल से क्या करने गया था उधर, तो बस हेलमेट पहना था नहीं, बस एक हम लोग के साथ में लड़का पड़ता था, बहुत बेहतरीन था, मतलब बहुत हंस खुश मिजाज था, उसको टेंशन जिसको रहता था पूरे ग्रुप में जिसको टेंशन रहता था उसी से बात करता था,
टेंशन है दुर्गा दा, छोड़ो यार जिंदगी चलती है, आधा काट लिया आदमी आधा और कट जाएगा, क्या टेंशन लेता है। बहुत खुश मिजाज था, उस बुलेट चला रहा था, बुलेट चला के जा रहा था तो मेन रोड पे जब एंट्री किया, गांव की सड़क से मेन रोड पे एंट्री किया बुलेट से, तो उधर एक हाई तेजी तेज से कोई गाड़ी आ रही थी, मार दी इसको, ये हेलमेट पहना नहीं था, इसी के गाड़ी से बुलेट पे लगा इतना भयानक कि टोटी में से जो पानी गिरता है ना उस तरह से उससे नाक से ब्लड गिर रहा था। 10-15 मिनट में बेचारा का डेथ हो गया, केवल उसने मतलब हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट पहनो बाबू।